हेलो फ्रेंड, द गल्फ टेक्निकल में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो लेडर सेफ्टी के बारे में है। तो लेडर सेफ्टी हमको किस तरीके से करना है, आज इस वीडियो में सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले लेडर यूज़ कहाँ होता है, सारे जॉब में यूज़ होता है। रीगर हो, स्कारफोल्डर हो, वेल्डर हो या कोई भी जॉब वाले हो, उसको यूज़ करना होता है। जैसा कि आपको पता है लेडर का एक रूल्स और रेगुलेशन भी है, थ्री पॉइंट कॉन्टेक्ट लेडर। मींस क्या होता है, अगर हम एक हाथ यूज़ किए तो दो पैर, दो हाथ दो पैर, मतलब दो हाथ एक पैर, हम लोग इस तरीके से इस स्टेप को फॉलो करते हैं, तो ये हमारा एक सेफ्टी होता है। इसको कहते हैं थ्री पॉइंट कॉन्टेक्ट लेडर पे हमको ऊपर जाना है, तो इस तरीके से कुछ इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। दूसरा जो चीज़ है उसका प्रॉपर एंगल होना चाहिए। कोई भी लेडर को आप यूज़ करते हो तो उसका प्रॉपर एंगल होना चाहिए। उसका जो उसके बाद जो थड है वो आपको, कोई भी लेडर पर आप जब चढ़ रहे हैं तो वहाँ पर उस लेडर को पकड़ने के लिए कोई दूसरा भी होना चाहिए। अगर और उसके बाद उसमें बहुत सारा सेफ्टी है, जैसे इलेक्ट्रिकल में अगर आप कोई यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ अलग लेडर लगेगा। अगर कुछ और जगह पर यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए अलग लेडर लगेगा, जैसे फ़ाइबर हो गया, फ़ाइबर एलुमिनियम हो गया, तो इन सब चीज़ों का अलग अलग एक पर्पस होता है यूज़ करने का। तो ये वीडियो इसी के लिए है, इसमें पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा इस वीडियो में कि आपको लेडर में सेफ्टी सबसे ज़्यादा आपको क्या रखना है। जो मेन टॉपिक पर मैं बात करूँगा वो जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जैसा मैं अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये वीडियो, कि एक आदमी लेडर पे चढ़ा, चढ़ने के बाद उसके बाद सेकंड वो भी चढ़ा सेम टाइम पर, फिर सेम टाइम पर तीसरा आदमी भी चढ़ा, तो किस तरीके से ये लेडर टूट गया और टूटने के बाद कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक इंजरी थोड़ा बहुत हुआ होगा। लेकिन कुछ इस तरीके से हम लोग को भी गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग इस तरीके से गलती करते हैं तो शायद जो इनको इस वीडियो में थोड़ा सा इंजरी आपको दिख रहा है तो शायद वो चीज़ बड़ा भी हो सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा देखा गया है साइट पर, इसके लिए मैं ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि आप लोग ये जब भी लेडर यूज़ करते हो, रीगर भी यूज़ करेंगे, स्कारफोल्डर भी यूज़ करेंगे, कोई भी जॉब वाले इस लेडर का यूज़ करेंगे, तो यूज़ करने से पहले आप इन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि सेम टाइम पर एक आदमी के पीछे दूसरा आदमी नहीं जाना चाहिए। और सेकंड जो चीज़ है उसका जो सेफ्टी है, कभी भी हैंड में टूल्स नहीं लेके जाना चाहिए। जैसा भी हम लोग को कुछ काम है, अगर हम लोग लेडर पे चढ़ते हैं तो कुछ काम के लिए चढ़ते हैं, तो कभी भी हमको लेडर पे चढ़ते वक्त अपना हाथ को अच्छे से क्लीयरेंस रखना चाहिए, कोई ऑयली हाथ नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमको हैंड ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए, हैंड ग्लव्स का प्रॉपर साइड पर यूज़ करना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स है, हर चीज़ है, डस्ट, ऐसे ऐसे बीमारियाँ होती है वहाँ पर। तो वो अगर आप दस्ताना यूज़ नहीं करोगे तो वो आपके बॉडी को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, या आपके हाथ में जैसा इंस्पेक्शन कर सकता है। तो कुछ इस तरीके से बहुत सारा चीज़ आपके हाथों में अटैक हो सकता है, तो आप कभी भी हैंड ग्लव्स का यूज़ ज़रूर करें। उसके बाद जैसा हम लोग गॉगल का यूज़ करते हैं साइड पर, जो चश्मा हम लोग पहनते हैं, चश्मा में एक और मैं सेफ्टी बताता चलूं कि जब भी आप चश्मा पहन रहे हो, स्टैंडर्ड सेफ्टी जो आपको जो स्टैंडर्ड जो सेफ्टी का जो दिया गया है गिलास, वही गिलास को आपको पहनना चाहिए, ना कि दूसरा। सेकंड, जब भी आप वो चश्मा पहन रहे हो तो आप उसको एक बार जांच ज़रूर करें, क्योंकि वो क्या होता है, कभी भी कोई भी अटैक होने पर
जो जो गिलास होता है वो टूटना नहीं चाहिए, मतलब वो खाली क्रैक हो गया तो ठीक है, अगर वो बारूद या बुक्का बन गया और टूटने किसी चीज़ पे लगने के बाद वो आपको भी आग को भी इफेक्ट कर सकता है। तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। जो मेन मेन पॉइंट था इस वीडियो में मैंने आपको शेयर किया, जैसे लेडर हो गया, लेडर का आपको प्रॉपर सेफ्टी रखना है। उसके बाद आपने देखा होगा एक मंकी लेडर भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो मंकी लेडर पे काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से होता है कि एक सेम टाइम पर अगर बहुत लोग चढ़ गए, जैसे दो तीन चढ़ गए, तो उसमें क्या इश्यू हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, पैर लड़ने का चांस होता है या एक दूसरे को टक्कर मारने का चांस होता है, क्योंकि उसका जो नज़र होता है वो नीचे होता है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये कभी स्लो होता है कभी फास्ट होता है। तो इस तरीके से बहुत बड़ा आप इंजरी होने से इन चीज़ों को रोक सकते हैं, मतलब इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं। तो इस तरीके से हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पहला फर्स्ट वो जाएगा, फिर उसके बाद जाने के बाद हमको जाना चाहिए, और जाने से पहले आप ये सोच लें कि पूरा अपने हाथ वगैरह को चेक करें। चेक करने के बाद आपको बिल्कुल फ्री माइंड होकर इस लेडर को पार करना है, और करने से पहले आप ज़रूर ध्यान दें कि हमको 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट लेडर, 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट लेडर मीन्स क्या होता है, एक हाथ दो पैर या दो हाथ एक पैर, दो हाथ या एक पैर, इस तरीके से, मतलब एक हाथ दो पैर और दो पैर एक हाथ, मतलब इस तरीके से हम लोग इसका अगर मोमेंट करके रखेंगे तो हम इजीली हम उस लेडर के ऊपर हम लोग सेफली जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमको फॉलो करना चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा, अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद।